सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड देयर यूजेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने नेक्स्ट प्लांट विभिदकी के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। विभिदकी को आम भाषा में बहेड़ा भी कहते हैं। ये देखिए, विभिदकी का वृक्ष है। इसका लैटिन नेम टर्मिनेलिया बेलेरिका है। फैमिली कॉम्बर्टेसी है। विभिदक को चरक संहिता में ज्वर हर महाकषाय और विरेचनोपक महाकषाय में रखा गया है, जबकि सुश्रुत ने इसको त्रिफला और मुस्तादी गण में रखा है। जो पर्याय हैं, सिनोनिम्स, सबसे पहला कर्षफल, क्योंकि इसके फलों का जो वेट होता है करीब 20 ग्राम के करीब होता है और एक कर्ष 20 ग्राम की बराबर होता है, इसलिए इसको हम कर्षफल कहते हैं। दूसरा पर्याय है इसका अच्छ। इसके वृक्ष का बहुत अधिक विस्तार होता है, इसलिए इसको हम अच्छ भी कहते हैं। कलिद्रुम, इसके बीजों का पुराने समय में जुए खेलने में प्रयोग होता था, तो इसलिए यह घरों में कलह का कारण होता था, इसलिए इसको हम कलिद्रुम भी कहते हैं। भूतवास, क्योंकि इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है, सघन होता है, इसलिए माना जाता है कि इसमें भूतों का वास होता है, इसलिए इसका पर्याय भूतवास भी है। कलियुगाले, कलयुग का यह वृक्ष माना जाने के कारण इसका पर्याय कलियुगाले भी है। तो ये थे इसके पर्याय। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, ये वृक्ष करीब 50 से 60 फुट तक बड़ा होता है। इसकी जो स्टेम होती है ये ब्राउन कलर की बहुत ही हार्ड होती है। जो इसकी पत्तियां होती हैं, आप देखें ये पत्तियां इसकी, ये जो नोड्स हैं यहाँ पर एक गुच्छों के रूप में होती हैं, फिर ये दूसरा नोड्स है वहाँ पर गुच्छों के रूप में होते हैं। जो बीच का एरिया है उसमें आपको एक भी लीव्स नहीं मिलेगी। तो ये भी इसके एक पहचानने का तरीका है। इसके लीव्स के पीछे आपको दो ग्लैंड्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो हरितकी में आपको बतलाया था, ये ग्लैंड्स मिलती हैं दो इसके लीफलेट पे, पत्रवृंत पे। तो ये इसमें ये ग्लैंड्स भी होती हैं। जो इसके फल होते हैं वो धूसर कलर के और गोल होते हैं, ये इसके फल हैं। इन फलों का ही प्रयोग औषधि रूप में हम करते हैं। इन फलों को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें छोटी छोटी मिंगियाँ निकलती हैं। इन मिंगियों का भी हम दुर्बलता में प्रयोग करते हैं। इन मिंगों खाने से दुर्बलता दूर होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये मिंगी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह फिर नशा करती है, मादकता करती है, इसलिए कम मात्रा ही में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। जो इसके पुष्प हैं वो फरवरी और मार्च में लगने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको हम वासंत भी कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन में तो चैबोलिक एसिड, टैनिन और गैलिक एसिड इसके मुख्य केमिकल कंपोजिशन है। जो विभिदक तेल है वो इसके सीड से प्राप्त होता है, जिसका कि कलर येलो कलर होता है। तो ये थे इसके केमिकल कंपोजिशन। अब इसके रस गुण विविधता के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो जो इसका गुण है वो लघु और रुच है। रस कसाय रस है, विपाक मधुर है और वीर उष्ण है। तो दोस्तों, अब मैं विभिदकी के प्रयोगों के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। विभिदकी औषध तो त्रिदोषर होती है, लेकिन मुख्यतः यह कफ शामक होती है। तो कफ के लिए इसके फलों को छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा सा आग में भूनकर आप इसको चूसेंगे तो काश श्वास में अच्छा लाभ मिलेगा। या विभिदकी चूर्ण को मधु हनी के साथ दें। दूसरा, वेदना में इसके फलों का लेप या विभिदक तेल का जहाँ जहाँ वेदना है, पेन है आपको, वहाँ पर लगाएं। क्लैब रोग का मतलब है इम्पोटेंसी। जो व्यक्तियों में सेक्सुअल पावर कम है वो विभिदकी का चूर्ण का प्रयोग करें शहद के साथ। दुर्बलता,
जो व्यक्ति वीक हैं, वीकनेस को दूर करने के लिए विभिदकी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बालों के लिए, केश के लिए हम विभिदक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अर्श में त्रिफला चूर्ण के रूप में या विभिदक चूर्ण के रूप में आप अर्श में प्रयोग कर सकते हैं। रक्तस्राव का मतलब है ब्लीडिंग का होना। रक्त स्टीवन, जो खांसी करते करते जिनको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, तो यदि आप विभिदक चूर्ण मधु के साथ देंगे तो रक्तस्राव में आपको लाभ होगा, ब्लीडिंग आपकी चेक होगी, क्योंकि इसमें कसाय रस होता है और कसाय रस रक्त का स्तंभन करता है। ज्वर, पित्त ज्वर में आप इसके फलों का चूर्ण के लेप करें, फलों के चूर्ण का लेप करें। नेत्र रोग में आप विभिदक चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करें। अश्मरी में विभिदक चूर्ण मधु के साथ दें। तो ये कुछ विभिदक के प्रयोग थे। अब मैं इसके फॉर्मुलेशन और इसके योग के बतलाने जा रहा हूँ। विभिदक चूर्ण, विभिदक तेल, फल त्रिकादि क्वाथ, तालिशादि चूर्ण, लौंग आदि वटी। जिसमें फल त्रिकादि क्वाथ है, इसका प्रयोग जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में आप अच्छे करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फल त्रिकादि क्वाथ को 2 से 3 चम्मच इतना ही पानी मिलाकर सुबह शाम लें। तालिशादि चूर्ण का काश और श्वास में, और लौंग आदि वटी इसको काश श्वास में एक एक टैबलेट दिन में 4 से 5 बार मुंह में रख के चूसें, तो आपको काश श्वास में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मात्रा जो है इसकी विभिदक चूर्ण की 3 से 5 ग्राम। विभिदक तेल जहाँ भी आपको पेन है, वेदना है, वहाँ पर लगाएं। तालिशादि चूर्ण 3 से 5 ग्राम और लंगादि बटी एक एक गोली दिन में 4 से 5 बार चूसें। तो ये विभिदक के फॉर्मुलेशन और यूज के बारे में था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और बेल आइकन को दबाएं। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्लान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।